जो रसूल दे उसे ले लो, और जिससे मना करें उसे रुक जाओ। पूरी जिंदगी 100% कामयाबी की बेहतरीन दलील भी है, और हर बोलना उसे कामयाब बना दिया। तो प्यारे मुसलमान, हमने और आपने इसका उल्टा कर दिया। जो काम अल्लाह ने मना किया था उसको खुशी खुशी कर रहे, और जो काम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया था उसे तो दूर दूर तक नाम भी नहीं देते, बिल्कुल उस पे अमल भी नहीं करते हैं। तो प्यारे मुसलमान, जब ऐसा नहीं हो रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बहुत बड़ी पकड़ है, और जब पकड़ पा जा रही है तो फिर कोई छोड़ा भी नहीं सकता है। खुशी का मौका हो, बड़ा मौका हो, चाहे तंगी का मौका हो, खुशी का मौका हो, मुसलमान को ऐसा ऐसा चाहिए कि उस अल्लाह तआला दादा से बड़ा आदमी बता पाया। सरकार ने लाल लाल सर 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 सशा शर्माया, अगर कोई इंसान ये चाहता है उसकी उम्र पर बरकत हो और रिज़्क की बरकत हो, उसकी उम्र भर में बरकत हो और रिस्क में बरकत हो, तो उसे क्या कहना चाहिए? आपने फरमाया नमाज की पाबंदी करे, नमाज की पाबंदी करे, और दूसरा काम रिश्तेदारों के साथ बेहतर सलूक करे, अल्लाह अल्लाह का से रिस्क में बरकत देगा और उम्र भर में अल्लाह का बरकत देगा। और ऐसे बरकत जिसको बंदा कभी गुमान भी नहीं कर सकता है। आगे भाई अपना का बड़ा इशारा फरमाते हैं, इस काम के करने की वजह से अगर मुसलमान उम्र 3 महीने हो, अल्लाह पाक इस काम की बरकत से 30 महीने अल्लाह पाक बरकत देता है, 30 साल अल्लाह पाक बरकत देता है। और अगर किसी की उम्र 30 साल हो और ये काम नहीं कर पाए तो अल्लाह पाक 30 साल को 3 महीने में तब्दील कर देता है। तो प्यारे मुसलमान, अगर हम आप ये चाहते हैं हमारी उम्र भर बरकत हो और रिज़्क में बरकत हो, अल्लाह तआला की रज़ा के खातिर नमाज़ों की पाबंदी करें और अपने रिश्तेदारों के साथ साथ रहते शुरू करें। अकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर में क्या क्या बताया गया, एक फला औरत है जो नमाज की पाबंद है, रोजे की पाबंद है, अच्छे काम भी करती है, लेकिन पड़ोसों से बहुत चाहती है। आप फरमाया मैं जान जान अल्लाह अकबर, आपने क्या फरमाया? वो जाने जाने जाएगी, पर किसी ने आकर के कहा या रसूलल्लाह एक औरत है नमाज में जो कमी है, लेकिन अपने पड़ोसों के साथ रिश्तेदारों के साथ उसका सलूक बहुत लाजवाब है, आलीशान सुसुम है, वो पड़ोसों के साथ बेहतर रवैया क्या है, नूर वाले नबी ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया वो औरत जन्नत में जाएगी। प्यारे मुसलमानों, ये मिजाज है, ये सबक के दरस, ये पूरी और कसम भी एक बार बार नहीं, 3 बार लगातार कसम उस पर जाती है, बात बहुत बड़ा बड़ा नहीं है। हम अगर किसी से बात बात आते हैं, अगर कोई नहीं मान पाए ना तो कसम खा के अल्लाह से कसम नहीं है, इस तरह से सुना गाइस, गाइस से देखा या गए भाई आपका कर दो कसम खाने की इजाजत थी, यूं ही कह देते तो बात बिल्कुल हक और सच हो जाती, लेकिन हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तरबियत है भाई भाई आपका कर दो इशारा फरमाया अल्लाह कसम सब को मोमिन हो सकता, जुमले क्या क्या थे, अल्लाह का कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह का कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह का कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। असहाब घर घर पूरी भाई भाई के अंदर एक अलग कैफियत हो गया,
और हर तरह से तो फिर बता फरमाए और इन दीदी रोशनी में हिदायत दादा अल्लाह पाक सब बता फरमाए सलाम।